भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में आज से 65वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए खेलकूद महत्वपूर्ण होता है और इस तरह की प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों में टीम भावना का विकास होता है। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। खुशी का दिन है भरतपुर के लिए, तो ऐतिहासिक दिन है। आज 65वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 17 एवं 19 वर्ष के वर्ग के लिए आज यहां का आगाज किया गया है। इसमें मुझे बताया गया कि 17 वर्ष की टीम में 17 वर्ष के आयु वर्ग में 35 टीमें आई हैं, जिसमें 420 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। इसी तरह से 19 वर्ष के आयु वर्ग में भी 35 टीमें आई हैं, 420 जो है प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। 115 लोग उनके साथ शिक्षक कोच के रूप में वो लोग आए हुए हैं। मैंने यहाँ आयोजन देखा, इनकी व्यवस्था देखिए काबिले तारीफ है। यहाँ से लोग जब जाएंगे प्रतियोगी मीठी यादें लेके जाएंगे।